तो कैसे हो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फर्स्ट मैसेजेस के बारे में जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं किसी लड़की से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। ये कन्वर्सेशन ओपनर्स वैसे तो कमाल है, पर ये सबसे ज्यादा तब काम करते हैं जब आपकी प्रोफाइल थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्रिएटिव होगी या थोड़ी स्ट्रांग होगी, सेंसिबल सी होगी। क्योंकि कोई भी सेंसिबल लड़की किसी छपरी लड़के को रिप्लाई करना नहीं चाहेगी, तो छपरी बना छोड़ दो और थोड़े सेंसिबल, हैंडसम और इंटेलिजेंट बन जाओ। चलिए अपने फर्स्ट मैसेज के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, हे आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड आई मस्ट से योर कंटेंट इज रियली रिफ्रेशिंग। हाउ डू यू कम अप विद सच ग्रेट आइडियाज। अब ये मैसेज आप उस लड़की को भेज सकते हैं जिसने अभी नया नया कंटेंट बनाना शुरू किया है, जिसके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है और वो नाचना गाना नहीं करती, सिर्फ वो थोड़ा क्वालिटी कंटेंट बनाने की कोशिश करती है, खूबसूरत भी है। तो अगर उसे आप प्रेज करोगे तो वो डेफिनेटली खुश होगी, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो डेफिनेटली रिप्लाई करेगी और आपकी दोस्त बन सकती है। तो ये मैसेज बहुत सेंसिबल है, डिसेंट लड़कियों पे काम करता है, डेफिनेटली काम करेगा अगर ढंग से यूज करोगे तो। नंबर टू, यू नो व्हाट आई नोटिस्ड अबाउट यू ? ये डाल के छोड़ दो। ये एक तगड़ा मैसेज है जो लड़की को क्यूरियस कर देता है कि सामने वाला बंदा ने क्या नोटिस किया है मेरे बारे में। लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं और सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं, तो उन्हें ये जानना पसंद होता है कि भाई सामने वाला बंदा क्या जानता है मेरे बारे में। पर अगर तुम छपरी लड़के होगा तो भाई डेफिनेटली कोई भी लड़की तुमसे ये जानना नहीं चाहेगी, क्योंकि छपरी लड़के तो क्या ही जाने ना जाने, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। नंबर थ्री, हे पिज्जा और पास्ता ? अब इस पे लड़की रिप्लाई कर सकती है जो भी चूज करेगी, और उसके बाद कन्वर्सेशन आपकी स्टार्ट हो सकती है। ये मैसेज ज्यादातर उन लड़कियों पे चलता है जो आपकी नोन है, जिन्होंने आपको देखा हुआ है, मिली हुई है कहीं ट्यूशन में, कॉलेज में, या फिर कोई नोन लड़की। तो आप उसको मैसेज भेजोगे, वो प्रोफाइल चेक करेगी और डेफिनेटली वो आपका रिप्लाई करेगी, क्योंकि वो आपको जानती है। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैसेज है जिसमें लड़कियां रिप्लाई कर देती हैं इस मैसेज का, तो आप ये यूज कर सकते हो। नंबर फोर, मेरा दोस्त कह रहा था इंस्टा पर बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं। वेल, वो सही कह रहा था। हाय, आई एम सैड। अब ये मैसेज थोड़ा तड़कता भड़कता है। अगर आप थोड़े हैंडसम दिखते हो, आपको लगता है आप में कॉन्फिडेंस है और आपकी प्रोफाइल जो है स्ट्रांग है, लड़की देख के आपके मैसेज को मना नहीं कर पाएगी, तो ये मैसेज आप भेज सकते हो, लड़की का रिप्लाई आ जाएगा। उसके बाद आपको कैसे बात करनी है ये तो आपको मेरी वीडियोज में पता ही चल जाता है, तो वो वीडियोज आप देख सकते हो। नंबर फाइव, तुम्हारी स्माइल का फिल्टर कहाँ मिलता है ? 50% चांस है रिप्लाई आ जाएगा, 50% चांस है नहीं आएगा। थोड़ा क्लिंजी सा मैसेज है पर बढ़िया है, आ जाता है कई बार, थोड़ी डम लड़कियों पे काम करता है। नंबर सिक्स, मेरे इंस्टा का एल्गोरिदम सोच रहा होगा ये इंसान इंस्टा ओपन करके बार बार इसकी प्रोफाइल क्यों चेक करता है, कहीं इंस्टा से मुझे ये बैन ना कर दें। बहुत ही मिठाई वाला मैसेज है, इस मैसेज के कम चांस होते हैं कि रिप्लाई आ जाए, क्योंकि लड़की आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, और अगर आप उसे ये मैसेज करोगे तो ये कौन है भाई, चिपक, क्यों बात करूँ भाई मैं इससे। पर लड़की का मूड अच्छा होगा, 90% चीज़ें मूड पे डिपेंड करती हैं। अगर इनका मूड अच्छा होता है तो ये किसी भी लड़के को रिप्लाई कर सकती हैं, और अगर नहीं होता तो ये किसी को भी नहीं करती, चाहे अच्छे से अच्छा क्यों ना हो। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, इसका मुझे पता नहीं है कि काम करेगा या नहीं करेगा। नंबर सेवन, हे तुमने क्या किया है मेरे इंस्टा पर, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। तुम्हारी पोस्ट आते ही रुक गया, अब कुछ और देखने का मन ही नहीं कर रहा। ये भी थोड़ा चिपक सा है पर थोड़ा सेंसिबल है पहले वाले से, और इसके चांसेस ज्यादा हैं उससे। उसके में अगर 25% चांस हो गए तो इसके भाई 60% चांस है कि रिप्लाई आ सकता है। थोड़ा मिठाई समझेगी, पर अगर बातों को अच्छे से घुमा लिया तो पक्का पक्का आगे बात चल जाएगी। नंबर एट, इंस्टा मुझे तुम्हारी प्रोफाइल पे इसलिए ले आया बिकॉज इवन एल्गोरिदम हैव गुड टेस्ट। ये थोड़ा स्टैंडर्ड वाला है, क्लब लव वाली लड़कियों पर मार सकते हो, क्योंकि पिकअप लाइन जो होती है ना वो आप ये क्लब लव वाली लड़कियों पर चला सकते हो। थोड़ी घरेलू लड़कियों पे ये लाइंस कम चलती हैं, हाई फाई होगी ना उस पे चलोगे तो चल जाएगी। ऐसे और ओपनर्स और फर्स्ट मैसेजेस के लिए कमेंट करो पार्ट टू, और ऐसी और कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा मेरे दोस्तों।